हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी क्लास। आज के क्लास में हम करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पोर्शन को, बायोमोलिक्यूल्स को, दैट इज एंजाइम। अब तक हमने बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन किया है, एमिनो एसिड्स किया है, प्रोटीन्स कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स। एंजाइम सबसे पहले इसके बेसिक फीचर को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की, तो हमने एमिनो एसिड में देखा था, उसके बाद हमने प्रोटीन के फोल्डिंग्स में हमने देखा था कि जो एंजाइम्स हैं इनको आप देखेंगे कि 3 डिग्री में ये फंक्शनल होते हैं। तो 2 डिग्री भी आप देख सकते हैं, 3 डिग्री भी देखेंगे, लेकिन ये 3 डिग्री में क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल इन 3 डिग्री। ये सब हमने डिस्कशन किया था अपने प्रोटीन वाले पार्ट पर, उसके वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में अगर आप देखें तो जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, है ना, जो फाइब्रस प्रोटीन थे, फाइब्रस ये क्या थे, ये इनसॉल्युबल थे। फाइब्रस प्रोटीन ये क्या थे, ये इनसॉल्युबल थे। लेकिन अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या था, ये सॉल्युबल प्रोटीन था, ठीक है। अच्छा, एक नोट लाइन आती है, एक लाइन पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाती है कि क्या सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो आप कहते हैं हाँ, ऑल एंजाइम्स, सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं है, लेकिन ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कौन सा, तो एक्सेप्ट है आपके पास राइबोसाइम, जो राइबोसाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है। ये राइबोसाइम आप किसको कहते हैं, राइबोसाइम आप याद करें, जेनेटिक्स में पढ़ा था, 23SRRNA को कहते हैं, 23SR यानी राइबोसोमल आरएनए को आप कहते हैं राइबोसाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 23SRRNA में सब यूनिट में आपको मिलेगा ये राइबोसाइम। तो ये राइबोसाइम एक्चुअली क्या है, राइबोसाइम प्रोटीन नहीं है, राइबोसाइम प्रोटीन नहीं है, क्या है, ये एक टाइप ऑफ आरएनए है, ठीक है, ये है, प्रोटीन नहीं है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन्स में हमने बात की थी ग्लोबुलर एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक है, जो ग्लोबुलर था वो क्या था, वो वाटर सॉल्युबल था, जो फाइब्रस है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। अब एक बात की जाती है थर्मोस्टेबिलिटी की, एंजाइम्स रिलेटेड थर्मोस्टेबल की बात की जाती है, तो यहाँ पर हम दो चीज़ें लेते हैं थर्मोस्टेबल में, थर्मोस्टेबल में हम दो चीज़ लेते हैं, क्या, एक लेते हैं हम टेम्परेचर और दूसरा लेते हैं प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम चेंज करें, ठीक है, तो क्या होते हैं, प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। तो ये आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन गेट्स डीनेचर्ड, ठीक, तो डीनेचुरेशन या डीनेचर्स द प्रोटीन। टेम्परेचर एंड प्रेशर का फ्लक्चुएशन यानी कि चेंज क्या कर सकता है, प्रोटीन को डीनेचर कर सकता है, ठीक है। डीनेचर में आपको याद है पेप्टाइड बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, डीनेचर्स, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक आपको चीज़ समझनी है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, सम जनरली एंजाइम्स को आपने क्या बोला, प्रोटीन, ठीक है, उनका नेचर क्या होता है, प्रोटीनेशियस। टेम्परेचर एंड प्रेशर को अगर हम चेंज करें तो प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डीनेचर। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि क्या होते हैं, आर थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल का मतलब ऐसे चेंज इन टेम्परेचर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनकी डीनेचुरेशन नहीं होती है। और ऐसे जो एंजाइम्स हैं वो है आपके पास थर्मस एक्वाटिकस। आपने नाम सुना है थर्मस एक्वाटिकस का, थर्मस एक्वाटिकस,
थर्मस एक्वाटिकस का आपने नाम सुना होगा, पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब आप करते हैं वहाँ पर हम इसको करते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये थर्मस एक्वाटिकस हैं, ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे आर्की बैक्टीरिया में। ठीक, आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया आपने पढ़ा था किंगडम मोनरा में कि ये एंशियंट बैक्टीरिया हैं और ये क्या करते हैं, ये बहुत ही हार्श कंडीशन में मिलते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में मिलेंगे आपको ये। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं कि इनको हम अगर हम एक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका लाइन डाइग्राम बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट द एंजाइम्स, लाइक अगर आप देखें तो एंजाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंजाइम्स को आप इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर दिया, आपने एंजाइम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लाइन डाइग्राम बनाकर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन लाइन में क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। ठीक है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉलीपेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो रिप्रेजेंटेड बाई लाइन डाइग्राम, ये आप याद रखें, इट कैन बी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइन डाइग्राम। ठीक है, और इस लाइन डाइग्राम में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन को। और पॉलीपेप्टाइड चेन से रिलेटेड हमारी बहुत ही डिटेल डिस्कशन हो चुकी है प्रोटीन में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में भी डिस्कस किया था, फिर हम जब हमने प्रोटीन पढ़ा था उसमें भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके बाद बात करते हैं अब अगर हम पढ़ना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के, एंजाइम का आखिर स्ट्रक्चर होता कैसा है, बहुत डिस्कशन हो गई एंजाइम की, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कैसा होता है, तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को लेकर। आपने जैसा कहा कि अभी आप इसको लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप ये लाइन बना रहे हैं तो एक सी टर्मिनल दे दीजिए, एक एन टर्मिनल दे दीजिए। ठीक है, और ये सी एंड एन टर्मिनल क्या होते हैं, ये हमने बात कर ली है अपने प्रीवियस सेशंस में। और यहाँ पर क्या होंगे, इसके अल्काइल ग्रुप होंगे, है ना, वैरी कर भी सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, R1 R2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब बात करते हैं, अब ये फोल्ड होंगे, क्या होंगे, ये फोल्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो इनका स्ट्रक्चर बना है, ये जो इनका स्ट्रक्चर बना है, और फोल्ड जब ये होंगे, ये क्या होंगे, फोल्ड होंगे, ये क्या होंगे, फोल्ड होंगे। ठीक है, फोल्ड टू फॉर्म 2 degree स्ट्रक्चर। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये 1 degree स्ट्रक्चर है। ठीक, 1 degree स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आप पॉलीपेप्टाइड का चेन देख रहे हैं, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन देख रहे हैं। फिर ये स्ट्रक्चर फोल्ड होगा, और फोल्ड होकर क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा, ठीक, और उसके बाद फाइनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एक ही बार डिस्कस करते हैं कि जो 3rd degree में ये फंक्शनल है, तो फोल्ड्स टू फॉर्म 2 degree स्ट्रक्चर, उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी क्या हो रही है, फिर फर्दर फोल्डिंग्स हो रही हैं, फिर फाइनल इसकी फोल्डिंग होगी, फिर इसकी फाइनल फोल्डिंग होगी, और फाइनल फोल्डिंग करके ये 3 degree स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें ये क्या करेगा, फंक्शनल होगा, जिसमें ये क्या होगा, फंक्शनल होगा, क्योंकि एंजाइम 3 degree में फंक्शनल होते हैं। ठीक है, अब जब ये फाइनल फोल्डिंग करेगा तो ये बनाएगा कैसा, उसको आप देखिए। फाइनल जब ये करेगा 3 degree स्ट्रक्चर्स बनाएगा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ खास तरह के इसके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक, अभी हम बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स क्या बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ईजिली आपको एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुई, ये इसकी 1st degree स्ट्रक्चर है। 1st degree के बाद ये क्या करेगा, फोल्ड करके 2nd degree बनाएगा, फिर फाइनल फोल्डिंग करके 3 degree बनाएगा। ठीक, अच्छा, फाइनल जब 3 degree स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है, फाइनल, इसका फाइनल फोल्डिंग है, और ये 3 degree स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, 3 degree स्ट्रक्चर है, और 3 degree स्ट्रक्चर में ही क्या है, ये फंक्शनल है। 3 degree स्ट्रक्चर में ही ये फंक्शनल है। अब अगर आप यहाँ देखें तो कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि यहाँ पर, जैसे इस जगह पे और इस जगह पे आपको कुछ डिप्रेशंस दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं पॉकेट्स। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, इनको आप क्या कहते हैं, पॉकेट्स। ठीक, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉकेट। ठीक है, इन पॉकेट को आप पॉकेट कह लें या आप इनको क्रिवाइसेस कह लें, CREVICES कह लें। अब
जब ये फाइनल फोल्डिंग हुई थी, थ्री डिग्री स्ट्रक्चर क्या है इसकी, फाइनल फोल्डिंग है, थ्री डिग्री स्ट्रक्चर इसकी फाइनल फोल्डिंग है, ठीक है। तो जब ये फाइनल फोल्डिंग हुई, क्योंकि इसी में ये फंक्शनल है, तो इसमें कुछ पॉकेट्स बन जाएंगी, इस तरह से फोल्ड करेगा कि इसके पास कुछ पॉकेट बन जाएंगे, ठीक, यानी कि क्रिवाइसेस बन जाएंगे, और इन्हीं पॉकेट्स में, है ना, फाइनल फोल्डिंग में क्या होते हैं, पॉकेट्स बन जाते हैं, ठीक है, या क्रिवाइसेस बन जाते हैं, और इन्हीं पॉकेट्स में क्या होंगे, इन्हीं पॉकेट्स को आप कहना शुरू कर देते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक। और इन्हीं एक्टिव साइट में क्या होगा, इन एक्टिव साइट के कुछ अपने फीचर्स होते हैं, एक्टिव साइट के कुछ अपने फीचर्स होते हैं, क्या, सबसे पहले इनका एक डिफाइंड या आप कह लें एक फिक्स शेप होता है, ठीक, एक फिक्स इनका शेप होता है, सबसे पहली चीज, उसके बाद हैव फिक्स्ड शेप, उसके बाद आप कहेंगे कि इनका एक फिक्स टाइप का केमिकल ग्रुप इनमें लगे होते हैं, ठीक, इनमें फिक्स टाइप ऑफ केमिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है, या अटैच्ड, कहां पर, इन्हीं एक्टिव साइट्स में, ठीक है। तो अगर एक खास तरह का एंजाइम है तो इसके पॉकेट की अपनी एक फिक्स शेप होगी और एक खास तरह का केमिकल ग्रुप इसके पॉकेट में लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझें, अब ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनमें ये स्ट्रक्चर खराब हो सकती है, ठीक। तो पहले तो आप ये समझ लें कि इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर आप देखें कि यहाँ पर इसका शेप फिक्स है, ठीक, पहले इसका शेप आप देख लें कि ये शेप क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब कैसे कैसे ये फिक्स शेप खराब हो सकती है उसको आप देख लें, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें, यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दें, टेम्परेचर को आप क्या करें, चेंज कर दें, अगर टेम्परेचर को आप चेंज कर दें, आप इनका क्या करें, पीएच चेंज कर दें, पीएच को क्या करें, चेंज कर दें, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, पीएच को चेंज कर देंगे, इन बोथ दिस कंडीशंस द शेप विल चेंज, ठीक, एंड इसका, इस एंजाइम का रोल लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि हमने क्या कहा कि इस कंडीशन में ये जो एंजाइम्स अपने थ्री डिग्री में फोल्ड करता है जिसमें ये फंक्शनल है, तो इसमें कुछ पॉकेट्स बन जाते हैं जिनका अपना एक फिक्स शेप होता है और फिक्स केमिकल ग्रुप्स लगे होते हैं। अब ये जो है, ये पॉकेट इनका, ये किस कंडीशन में खराब हो सकती है, तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दें या आप इनका पीएच चेंज कर दें, दोनों ही कंडीशन में क्या होते हैं, दोनों ही कंडीशन में एंजाइम की स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कैन बी डिस्ट्रॉयड, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम या स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम का एक्टिव साइट कह लें आप, बेटर होगा, एक्टिव साइट इज क्या होगा, डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और दूसरा रोल ऑफ एंजाइम विल बी लॉस्ट, फिर वो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, रोल ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट, ठीक है, रोल ऑफ एंजाइम वहां पर नहीं हो पाएगा, वो अपना रोल नहीं कर पाएगा। तो रोल नहीं कर पाएगा तो आखिर वो काम क्या करता है, एंजाइम काम क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ एंजाइम वर्क्स। तो ये जो एंजाइम है, हाउ एंजाइम वर्क्स, है ना, वर्क्स, अपना काम करता कैसे है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि उसके शेप खराब होने से क्या हो गई। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक एंजाइम है और इस एंजाइम का शेप कुछ ऐसा है, ये इसके एक्टिव साइट का शेप है, ये इसका एक्टिव साइट, ठीक है, और ये एक्ट किसके ऊपर करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक, किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। अब देखिए इसके अंदर सबस्ट्रेट कैसा है, अब मान लीजिए ये एक सबस्ट्रेट है, क्या है, एक सबस्ट्रेट है, ठीक, एक और सबस्ट्रेट हमने ले लिया, एक और सबस्ट्रेट ले लिया हमने, ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, तो इसको आप लिख लें, ये है सबस्ट्रेट और ये वाइट वाला क्या है, ये है एंजाइम, सपोज ये क्या है, एंजाइम है, एंजाइम है। तो अब क्या करेगा, अब यहां पर ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी इसके एक्टिव साइट पर, ये क्या था, इसका एक्टिव साइट, एक्टिव साइट देख पा रहे हैं, इसका एक फिक्स शेप है जो कि सबस्ट्रेट के शेप के साथ फिक्स हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब इसकी बाइंडिंग होगी,
ठीक है। बाइंडिंग का मतलब अब देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग होगी, तो ये रहा एंजाइम और ये रहा इसका सबस्ट्रेट जो इसके साथ बाइंड हुआ है, ठीक है, ये रहा ये, ठीक। अभी ये जो बाइंडिंग हुई है ये एक लूज बाइंडिंग है, अभी ये जो बाइंडिंग हुई है ये एक लूज बाइंडिंग है, ठीक है। अब ध्यान से समझें, अब क्या होगा कि उसके बाद पहले लूज बाइंडिंग होगी फिर जाकर इसके टाइट बाइंडिंग होगी। कैसी होगी? टाइट बाइंडिंग, पहले लूजली बाइंड होगा। क्यों होगा अभी हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगी, ये रहा एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट, ठीक है, ये है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट। अब इसकी क्या हुई है, टाइट बाइंडिंग हुई है, टाइट बाइंडिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, टाइट बाइंडिंग हो गई, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट एक साथ आए क्यों थे, एंजाइम सबस्ट्रेट आए थे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एंजाइम एज इट इज रहेगा, एंजाइम एज इट इज रह गया, ठीक है, क्योंकि एंजाइम तो यूज नहीं होता। और क्या होगा, यहाँ पर वो प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनकर तैयार है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनकर तैयार है, ये था प्रोडक्ट, क्लियर। और ये है आपका एंजाइम, एंजाइम एज इट इज, ये है एंजाइम, ठीक है। अब टाइट बाइंडिंग के बाद ही हमेशा प्रोडक्ट बनेगा, टाइट बाइंडिंग के बाद टू टाइप्स के चेंजेस होंगे, केमिकल चेंज होगा सबस्ट्रेट में और फिजिकल चेंज होगा सबस्ट्रेट में। तो सबस्ट्रेट में दो तरह के चेंजेस होते हैं, टाइट बाइंडिंग के बाद ये जो टाइट बाइंडिंग हुई थी, ठीक है, इसमें सबस्ट्रेट में दो तरह के चेंजेस होंगे। अभी इस पूरे प्रोसेस को एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले चीज क्या हुई कि सबस्ट्रेट आखिर एंजाइम के पास आएगा कैसे, ये जो सबस्ट्रेट था ये एंजाइम के पास पहुंचा कैसे, ठीक है, ये एंजाइम के पास कैसे पहुंचा, ये जो हम एरो देकर कह दे रहे हैं कि एंजाइम के पास आया, आया कैसे, तो ये आया है किस तरह से आया है, ये आया है डिफ्यूजन से, लिखते चलेंगे आप, ये आया है डिफ्यूजन से। सो सबस्ट्रेट रीचेज अप टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या हुआ है, सबस्ट्रेट एंजाइम तक पहुंचा है, ठीक। अच्छा, इसीलिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, इसी की वजह से अगर बोला जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ये भी बढ़ जाता है क्योंकि डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सबस्ट्रेट मूव किया एंजाइम के पास कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू। बाइंडिंग कहाँ हुई है, बाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ शेप हुई है, तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट जो बाइंडिंग हुई है ये किस बेस पे हुई है, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप हुई है, इसीलिए एक्टिव साइट की एक पर्टिकुलर शेप होती है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, शेप के आधार पर हुई है। पहले लूज बाइंडिंग होगी फिर टाइट बाइंडिंग होगी, टाइट बाइंडिंग के बाद ही आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। तो टाइट बाइंडिंग जब होगी, ठीक है, तो कुछ चीज़ें चेंज होंगी किसमें, सबस्ट्रेट में। तो आफ्टर टाइट बाइंडिंग जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट अंडरगोज टू चेंजेस, दो तरह के चेंजेस से गुजरता है सबस्ट्रेट। कौन कौन सा, एक चेंज होगा उसका केमिकल चेंज, केमिकली उसका नेचर अब चेंज हो गया, वो प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। और दूसरा होगा उसका फिजिकल चेंज, उसका देखिए स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है, फिजिकल चेंज, दो तरह की चेंज होगी। अगर पूछा जाए किसमें होगी तो आप कहेंगे सबस्ट्रेट में होगी, ठीक। कब होगी, टाइट बाइंडिंग के बाद होगी। अब ये देखिए, आई थिंक ये इक्वेशन आपने देखा होगा पहले भी, लेकिन अभी इसे समझते हैं कि इक्वेशन क्या है। ये है आपके पास ई प्लस, यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये बनेंगे यहाँ पर, ये रिवर्सिबल कहलाएगा, और ये है ई एस, पहले समझ ले इसे ये क्या है, उसके बाद आएगा ई पी, फिर आएगा ई प्लस पी। अब ये चीज़ें हैं क्या, देखिए सबसे पहली चीज़, ई क्या है, एंजाइम है, एस क्या है, सबस्ट्रेट है। यहाँ पर ये क्या बना था, यहाँ पर बना ये एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट
कॉम्प्लेक्स बना है, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, बना है ना एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, तो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। अच्छा, क्या ये रिवर्सिबल है? बिल्कुल रिवर्सिबल है, ये वापस एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट अलग भी हो सकते हैं क्योंकि ये लूज बाइंडिंग है ना, तो ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, ठीक है, ये अभी तक रिवर्सिबल है। उसके बाद बना क्या, एंजाइम एंड प्रोडक्ट का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, यानी कि अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर क्या ये रिवर्सिबल है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि आप देखें अब एक बार अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वापस सबस्ट्रेट नहीं बनाएगा, ठीक है, वापस से सबस्ट्रेट नहीं बन सकता, इरिवर्सिबल, ठीक, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद ई एंड प्रोडक्ट, यानी कि एंजाइम रिलीज एंड प्रोडक्ट रिलीज, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट एंड एंजाइम रिलीज हो गया है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों के दोनों स्टेज, ये भी और ये एंजाइम प्रोडक्ट का भी स्टेट, इन दोनों ही स्टेट को आप कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसी पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम क्या है, अगर आप देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंजाइम का प्रोग्रेशन दिया हुआ है, मैं एक दूसरी स्लाइड पर देती हूँ, एक यहाँ पर क्या हुआ है, इस तरह से लिया गया है एक वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर लिया गया है रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी रिएक्शन कहाँ है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या लिया हुआ है, एनर्जी लिया हुआ है, एनर्जी वाई एक्सिस में एनर्जी लिया हुआ है, ठीक। अब एट अ मोमेंट आपने सबस्ट्रेट का कुछ लिया है, ठीक है, सबस्ट्रेट लिया है इस जगह पर, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको एक चेंज नज़र आती है, एक फाइनली इसको ड्रॉ करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या, ठीक है, फाइनली पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब ये सबस्ट्रेट है, किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में। अब ध्यान से यहाँ पर कौन कौन सी बातें ऊपर ध्यान दे रहा है, सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि रिएक्शन प्रोग्रेशन के दौरान आप एक देखें कि एक सबसे हाईएस्ट एनर्जी यहाँ पर इस जगह पर है ना, यहाँ पर एक हाईएस्ट एनर्जी जो हुई है यहाँ पर हुई है पीक में, ठीक है, रिग्रेशन प्रोग्रेशन के दौरान, तो इस एनर्जी को आप कहते हैं एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये कौन सी है, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी थी, यहाँ पर हमने देखा है। तो यानी कि ये बात हुई कि एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ई एस और ई पी की एनर्जी को हम यहाँ पर दिखाते हैं, किसकी एनर्जी को दिखाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में हमने लिया था ई एस की एनर्जी को एंड ई पी की एनर्जी को हम दिखाते हैं, है ना, ई पी की एनर्जी को दिखाते हैं, बात समझ में आ गई, इसकी एनर्जी को यानी ई एस एंड ई पी की एनर्जी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए ई एस एंड ई पी को हमने ट्रांजिशन स्टेट बोला है। तो ये जो पूल हम ये चढ़ रहे हैं, जो ये हम चढ़ रहे हैं, है ना, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो ग्राफ है जहाँ पर हमने किसी भी एंजाइम का यूज़ नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने एंजाइम का यूज़ अभी नहीं किया है, ठीक। अब अगर हम एंजाइम का यूज़ कर लें, अभी हमने क्या किया है, कोई भी एंजाइम को अभी हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक, लेकिन अगर हम एंजाइम को यूज़ कर लें, अगर हम इस केस में एंजाइम को यूज़ कर लें तो हमें ग्राफ कैसा दिखेगा। एंजाइम को जब हम यूज़ कर लेंगे तो मैं उसी में आपको डायग्राम बना देती हूँ, एंजाइम में यूज़ करते ही ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह का आपको एक ग्राफ दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट आपको वहीं मिलेगा, ठीक, प्रोडक्ट आपको वहीं मिलेगा, लेकिन क्या हुई, इसने इस एनर्जी को क्या कर दिया, एनर्जी को कम कर दिया, ठीक है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो एवरेज एनर्जी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन एनर्जी है, तो एंजाइम क्या किया, डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जैसे ही हमने एंजाइम को यूज़ किया तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम डिक्रीजेस दी एक्टिवेशन एनर्जी को उसने कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, तो ई एस ई पी की होगी, ट्रांजिशन स्टेट की होगी, तो हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट वाले की होगी, उसके बाद आप देखेंगे कि सबस्ट्रेट की होगी, फिर देखेंगे प्रोडक्ट की होगी, ये है एनर्जी,
ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशनल स्टेट। ट्रांजिशनल स्टेट मतलब ई आप एस कह ले ये ट्रांजिशनल स्टेट है, ई आप पी कह ले ये ट्रांजिशन, इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी सबस्ट्रेट की, उसके बाद होगी प्रोडक्ट की। ये कैसा रिएक्शन होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इसके फीचर्स की, यानी कि एंजाइम्स के फीचर्स की, इनका फीचर क्या होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ एंजाइम तो सबसे पहले चीज, ये किस केमिकली, ये नेचर क्या होता है इनका, केमिकल नेचर इनका क्या होता है, केमिकल नेचर क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, एक्सेप्शन भी हमने डिस्कस कर लिया है, प्रोटीन होता है केमिकली, ये प्रोटीन होते हैं। उसके बाद केमिकली प्रोटीन होते हैं, मीडियम इन विच एंजाइम एक्ट्स वाटर होता है ना, मीडियम किस में ये एक्ट करते हैं, अपना काम करते हैं, मीडियम इन विच एंजाइम एक्ट्स तो ये आप कहेंगे पानी, यानी कि वाटर, ठीक है। तो वाटर में क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं, वाटर ही वो मीडिया है जहाँ पर ये एक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनकी एक नोट पॉइंट आप लिखेंगे, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। अगर हम बात करें एनिमल्स की, ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट, और हम बात करेंगे प्लांट्स की, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, एनिमल की केस में होता है कोलेजन, और प्लांट में होगा रूबिस्को, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद करना है, ये चीज़ याद रखेंगे। स्पेसिफिसिटी क्या है, स्पेसिफिसिटी इसकी ये है कि इनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, एंजाइम आर हैविंग अ पर्टिकुलर शेप, ठीक है, स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक होता है, तो ये इनकी स्पेसिफिसिटी है। स्पेसिफिसिटी किस में ये बड़े स्पेसिफिक हैं, तो इनका जो शेप होता है, शेप ऑफ एक्टिव साइट है ना, तो शेप का मतलब ही सीधा हम एक्टिव साइट से ही बनते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो शेप इज स्पेसिफिक, शेप क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेलेक्टिविटी की, एंजाइम के सेलेक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जब आपने पढ़ा था कि सेलेक्टिविटी में, एक चीज़ पढ़ा था आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि कुछ हमारे पास मेजर प्रोडक्ट्स एंड माइनर प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, याद है आपको, जैसे कि ए प्लस बी हमने किया तो मान लीजिए सी प्लस डी बना, सी प्रोडक्ट जो बना वो मेजर बना, ऐसा आपने पढ़ा था ना, और ये डी जो है वो माइनर बना, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा, माइनर प्रोडक्ट को नहीं, वो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को ही बनवाएगा, ठीक है। तो एंजाइम क्या करेगा, वो किसी एक प्रोडक्ट को ही बनाएगा, वो माइनर प्रोडक्ट ऐसा नहीं करेगा कि दोनों प्रोडक्ट को बनाए, किसी एक प्रोडक्ट को ही वो बनाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया पाइरुविक एसिड। अब इसके तीन केसेस, ठीक है, तीन केसेस कौन कौन से, केस नंबर वन कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए भी ये बना सकता है। केस नंबर टू, ये लैक्टिक एसिड भी बना सकता है। और केस नंबर थ्री, ये एसिटल डिहाइड भी बना सकता है। अब बताइए कि कब कौन बनाएगा, है ना, कब ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कब बनाएगा, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, जैसे कि आप देखें कि जैसे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, है ना। लैक्टिक एसिड जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बनाएगा, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर पाइरुवेट में अगर आप देखें तो ये तीनों चीज़ें बना सकता है, लेकिन अगर हम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ले रहे हैं तो सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम में बना रहा है, लैक्टिक एसिड नहीं बना रहा, एसिटाइल डिहाइड्रेट नहीं बना रहा, ठीक है।
यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ हमने पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज ले लिया, तो बाकी के प्रोडक्ट्स यानी लैक्टिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड नहीं बनेंगे। तो अगर हम पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज बनेंगे तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा और एसिटाल्डिहाइड भी नहीं बनेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक। वो क्या बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका लैक्टिक एसिड ही बनाएगा। तो इसको हम कहते हैं एंजाइम की सेलेक्टिविटी, कि अगर एक पर्टिकुलर खास तरह का एंजाइम अगर आए तो वो खास तरह का प्रोडक्ट ही बनाएगा, दूसरे प्रोडक्ट्स को वो नहीं बनाएगा। जबकि ये एंजाइम अगर नहीं रहता तो ये तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एक इसमें एंजाइम में हम पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्न ओवर नंबर। ये क्या होता है, टर्न ओवर नंबर, ये क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, टर्नओवर नंबर को समझने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हम टर्नओवर नंबर को देखें कि टर्नओवर नंबर क्या होता है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है, और यहां पर इसके पास क्या है, इसके पास यहाँ पर क्या था, एंजाइम किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एंजाइम रिएक्ट कर रहा था सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। तो सबस्ट्रेट आया, यहाँ पर सबस्ट्रेट आया, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आ गए। तो अब ये सबस्ट्रेट आकर यहाँ से फिर क्या रिलीज हुआ, यहाँ से प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, राइट। तो अब बात यह है कि कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, राइट, कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, अब पर यूनिट टाइम में। तो यही कहलाता है टर्नओवर नंबर। इसका मतलब कि टर्नओवर नंबर क्या है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये क्या कहलाता है, टर्नओवर नंबर, यानी कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इसको आप कहते हैं किसी भी एंजाइम का टर्नओवर नंबर, ठीक। सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर ये आपको याद करना है, ये है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। तो हाईएस्ट टर्नओवर नंबर किसका है, ये हाईएस्ट टर्नओवर नंबर है एक एंजाइम का जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का हाईएस्ट टर्नओवर नंबर होता है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता क्या था, अगर आपने रिएक्शन आपको याद हो तो ये जैसे कि मान लीजिए CO2 है, ठीक है, CO2 plus H2O, तो ये क्या करता है, CO2 plus H2O को कन्वर्ट करता है किसमें, H2CO3 में, ठीक है, H2CO3 में, ये आपने रिएक्शन पढ़ा होगा। अब इसमें ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, ये कितने रिएक्शंस ये करवा देता है, कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। तो ये इसका रेट क्या है, इसका टर्नओवर नंबर क्या है, बहुत 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 ज़्यादा, दैट इज 6 lakhs per second। देखिए कितना ज़्यादा ये वैल्यू है, 6 lakhs सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है पर सेकेंड। इसकी हाईएस्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सबसे हाईएस्ट टर्नओवर नंबर ली जाती है, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके कौन कौन से आखिर फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम के एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, तो लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम के एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर आपका आता है टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो टेम्परेचर, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बीकर है, इस बीकर में आपने क्या किया है, सबस्ट्रेट लिए हैं, एंजाइम्स लिया है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर एंजाइम्स भी हैं,
और यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट भी है, ठीक। यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट भी है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट भी है। अब बात आती है कि ये सबस्ट्रेट आखिर एंजाइम तक आते कैसे हैं, ये सबस्ट्रेट एंजाइम तक कैसे आएगा। सबस्ट्रेट आएगा तभी तो जाकर प्रोडक्ट बनाएगा, आएगा तभी प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ आने के लिए ये जो सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट बनाया और ये थे आपके एंजाइम्स, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के पास आता है डिफ्यूज़न से, ठीक है। अगर टेम्परेचर, अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को अगर आप अफेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, डिफ्यूज़न का रेट बदलता है। टेम्परेचर इज़ गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, इट अफेक्ट्स किसको, डिफ्यूज़न को, ठीक है, डिफ्यूज़न को। अच्छा, अब देखें, अगर आप बात करें यहाँ पर कि कैसे ये टेम्परेचर जो है ये अफेक्ट करेगा डिफ्यूज़न को, अब दो कंडीशन हम लेते हैं, ठीक है। एक कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, दो कंडीशन लेते हैं। कंडीशन ए, इसमें हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, टेम्परेचर को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो जब टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी कि हाई टेम्परेचर कर दी, तो ये क्या करेगा, इनिशियली शुरू में, इनिशियली ये क्या करेगा, शुरू में क्या करेगा, एक्टिविटी को इनक्रीज करेगा। इनिशियली एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्यों ये इंक्रीज करेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन डिफ्यूजन, ड्यू टू इंक्रीज इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बढ़ेगा इसी की वजह से क्या होंगे वहां पर, वो भी यानी कि रिएक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन बाद में, लेटर, बाद में क्या होगा, बाद में इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, बाद में एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसलिए डिक्रीज होगी क्योंकि एंजाइम यहाँ पर क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगी उसकी, ड्यू टू डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, आखिर एंजाइम भी तो प्रोटीन है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के डीनेचुरेशन होने की वजह से क्या करेगा, एक्टिविटी इसकी अब घटने लगेगी, यानी शुरू में बढ़ी फिर घटने लगी, ये कब, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तब। उसके बाद आता है आपके पास केस नंबर टू। केस नंबर टू में अगर आप देखें, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को घटा रहे हैं, टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, एंजाइम क्या होगा, लेस एक्टिव होगा, लेस एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन घटेगा, है ना। क्यों लेस एक्टिव होगा, क्योंकि डिफ्यूजन जो होगा, डिफ्यूजन ये डिक्रीज होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या करेगा, एंजाइम लेस एक्टिव होगा। एक चीज़ याद रखें, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो दो चीज़ें, लेस एक्टिव होगा एंजाइम जो होगा वो, लेस एक्टिव होगा, ये बात याद रखें, लेस एक्टिव होगा। अगर दिया हो कि एंजाइम क्या इनएक्टिव हो जाता है, तो एंजाइम इनएक्टिव नहीं होगा, लेस एक्टिव होगा। इनएक्टिव और लेस एक्टिव में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेस एक्टिव मतलब उसकी एक्टिविटी रहेगी लेकिन वो कम रहेगी, इनएक्टिव का मतलब बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर को कम करने से वो एक्टिव रहेगा लेकिन उसकी एक्टिविटी लेस रहेगी, इनएक्टिव नहीं रहेगा। यहाँ से ये नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जैसे कि आपने देखा था, ये थी एंजाइम की ऑप्टिमम एक टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए एक यहाँ से हम पढ़ते हैं, ये है एंजाइम, ठीक है, कि टेम्परेचर पर कर्व, यानी कि ये है टेम्परेचर और यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी, इस एक्स एक्सिस में क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी है, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी। चलिए आप अच्छे से लिख लेंगे इसे, एंजाइम एक्टिविटी, वाई एक्सिस, एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर है। तो अगर आप देखें एंजाइम की एक्टिविटी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको डिलीट करती हूँ, है ना, ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, लुक इसका अच्छा नहीं आ रहा है। चलिए इसको सेपरेट ग्राफ बनाते हैं और बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मान लीजिए क्या है, एंजाइम एक्टिविटी, ये बढ़िया है, एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कर्व आपको मिलेगा इस तरह से, ऐसे आपको एक कर्व मिलेगा। अब ये इस कर्व का क्या मतलब है, ठीक, ये देखिए। अब मान लीजिए ये जो है मैक्सिमम पीक यहाँ पर पहुँचा था, बॉडी का हमारा टेम्परेचर क्या है, बॉडी का हमारा टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस पर ये ऑप्टिमम काम कर रहा था। तो ये जो टेम्परेचर हुई, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो हुई, इसकी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है।
तो ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर ये सबसे मैक्सिमम काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपको कहानी में ट्विस्ट है, अगर आप इसके टेम्परेचर को या तो 10 डिग्री माइनस कर दें, कितना माइनस कर दें, 10 डिग्री माइनस कर दें, यानी कि अब आ जाए आप कहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप क्या कर दें, माइनस कर दें, यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाए, या आप 10 डिग्री यहाँ पर क्या कर दें, प्लस कर दें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस करके आप क्या कर दें यहाँ पर 47 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें। दोनों ही कंडीशंस में अब इसकी एक्टिविटी क्या होगी, इसकी एक्टिविटी आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि इस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसकी जो एक्टिविटी थी इस कंडीशन में, इस पर भी इसकी एक्टिविटी हाफ हुई और इस पर भी इसकी एक्टिविटी हाफ हुई और इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम थी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी की वजह से इसमें जो ग्राफ मिलता है वो हमें मिलता है बेल शेप्ड कर्व, इसको हम कहते हैं बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड कर्व। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। तो 37 पर क्या था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें क्या मिला, हमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम मिली। लेकिन अगर 37 में या तो आपने माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड करके 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, या आपने प्लस 10 करके क्या किया 47 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या मिलेंगे, हाफ मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगा, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद आता है आपके पास एक पीएच का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने टेम्परेचर देखा ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है पीएच का, सेम ग्राफ बनेगा, उसका भी बेल शेप्ड आता है। तो यहाँ पर मैं यहीं पर बता देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, ठीक है। देखिए अब ये ग्राफ आप पीएच के लिए देख रहे हैं, पीएच के लिए सेम ग्राफ मिलता है, जैसे कि मान लीजिए अब आप टेम्परेचर की जगह यहाँ पर क्या करेंगे, पीएच करेंगे, यहाँ पर पीएच करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पीएच करेंगे, तो यहाँ पर भी एंजाइम की एक्टिविटी लिखेंगे, इस जगह पर क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी। आप अपने नोट्स जरूर बनाएं साथ के साथ, है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इसकी भी बेल शेप्ड ग्राफ मिलती है, तो ये जो एक मैक्सिमम है ना, इस मैक्सिमम पर जो भी मिला एंजाइम की एक्टिविटी, तो ये हो गया इसका ऑप्टिमम पीएच, ये क्या हो गया, इसका ऑप्टिमम पीएच हो गया। लेकिन इसमें भी क्या होगा, है ना, यहाँ पर ऑप्टिमम यानी कि पीएच बदलने से एमिनो एसिड के चार्ज में फर्क आएगा, इसके फोल्डिंग चेंज हो जाएंगी, तो एंजाइम, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, ठीक है, यहाँ लेस एक्टिव नहीं होंगे, यहाँ पर एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा पीएच को बदलने से। यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी आपको कहती है, यहाँ पर दो पॉइंट आपको याद करना है, एक पॉइंट आपको याद करना है कि इसका भी जैसे इसमें बेल शेप्ड मिला था ना, इसका भी बेल शेप्ड मिलेगा, एक पॉइंट बेल शेप्ड कर्व इसका भी मिलेगा, ठीक है, बेल शेप्ड कर्व। और दूसरा आपको कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं, जैसे कि अगर एमाइलेज का आपको ऑप्टिमम पीएच पूछा जाए, एमाइलेज का, तो एमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच है 6.8, हम बोलते हैं ना स्लाइवरी एमाइलेज, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पेप्सिन 1.8 है, हाईली एसिडिक, स्टमक में होता है ना। उसके बाद आपके पास है लाइपेज, इसका है 7.6, ये आपको डेटा याद करना है, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच वैरी करता है एंजाइम टू एंजाइम, ये नोट पॉइंट है कि ऑप्टिमम पीएच वैरीज फ्रॉम एंजाइम टू एंजाइम, हर एंजाइम का एक नहीं होता, एंजाइम टू एंजाइम क्या करता है, वैरी करता है, ठीक है। चलिए आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। इसको करने के बाद ना हम बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, एनसीईआरटी में आपके पास एक बहुत अच्छा हेडिंग दिया हुआ है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, अब ध्यान देंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से हम क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ एंजाइम्स है, है ना, आपके पास क्या है, कुछ एंजाइम्स है। अब इस कुछ एंजाइम्स के लिए आपके पास क्या है, कुछ सबस्ट्रेट्स भी हैं, उनको एक्ट करने के लिए क्या है, कुछ आपके पास सबस्ट्रेट्स भी हैं, गुड। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 6 एंजाइम्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो
तो ये आ गया आपके पास एंजाइम नंबर 1, एंजाइम नंबर 2, एंजाइम नंबर 3, एंजाइम नंबर 4, एंजाइम नंबर 5, एंजाइम नंबर 6, 6 एंजाइम है। लेकिन सबस्ट्रेट्स आपके पास क्या है, एंजाइम्स यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर ये सारे सबस्ट्रेट्स हैं, सबस्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, अब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता कैसे है, डिफ्यूजन से आपको पता है ना। तो सबस्ट्रेट कम्स टू एंजाइम बाय डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब ध्यान से देखें, यानी कि पहला चीज ये हुआ कि हमने ये देखा कि ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास कैसे आएगा, ये सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है डिफ्यूजन से, ठीक है, डिफ्यूजन से। और हमने ये देखा है कि डिफ्यूजन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ग्रेडियंट, ठीक है। अब मोर इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फास्टर इज द रेट। अब जितना ज्यादा सबस्ट्रेट का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट बढ़ जा रहेगा, है ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी इक्वल्स वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी कंसंट्रेशन, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, केमिस्ट्री में हम सब कंसंट्रेशन के लिए बिग बड़ी वाली ब्रैकेट लगाते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम डायग्राम में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम में ये है आपके पास एक एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया है आपने, वेलोसिटी लिया है, ठीक है, वेलोसिटी लिया है, ठीक है। अब इस वेलोसिटी, वी इज वेलोसिटी, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शुरू में क्या होगा, शुरू में क्या होगा कि शुरू में जब एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो शुरू में क्या होगा कि एक यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल रिएक्शन जो है ना एकदम बढ़ रही है, लेकिन एक वक्त आने के बाद ये क्या हुई है, सैचुरेशन लेवल पर आ गई है ना, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, ये जो लाइन है इस पर आकर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ये जो पॉइंट आता है जहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, इस पॉइंट को आप कहते हैं वी मैक्स, इसको क्या कहेंगे, इस पॉइंट को आप कहते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर हो गई, ठीक है। और जहाँ मैक्सिमम, शुरू में क्या हुआ था, तो शुरू में जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, एक टाइम के बाद सबस्ट्रेट बढ़ाने पर भी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि वी मैक्स, है ना, वी मैक्स आ गया है। वी मैक्स वो वेलोसिटी होती है जब सारे सबस्ट्रेट भर गए हों, यानी कि सबस्ट्रेट अब सैचुरेट हो गए हों, तो वी मैक्स उस जगह पर आएगा जब सारे के सारे जो सबस्ट्रेट हैं, है ना, सारे के सारे जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो गए, सैचुरेट हो गए हों, सैचुरेट हो गए हों, ठीक है। अच्छा, तो अब यानी कि सारे के सारे सबस्ट्रेट क्या है, एंजाइम्स में आ चुके हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस वी मैक्स पर मुझे कोई सिंगल वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि उस ऊपर जाकर ये कर्व शेप्ड हो जाता है, सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसके आधे वैल्यू को अगर हम देखें, यहाँ पर इसके हाफ वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो इसको आप कहते हैं हाफ वी मैक्स, ये कौन सी वैल्यू है, ये है हाफ ऑफ वी मैक्स, वी मैक्स की हाफ वैल्यू, और वी मैक्स के हाफ वैल्यू जो है, ठीक है, यहाँ पर उसी को आप क्या कहते हैं, वी मैक्स की हाफ वैल्यू, है ना। तो उस जगह पर जो कंसंट्रेशन आएगी हाफ वैल्यू पर, उस कंसंट्रेशन को आप कहते हैं सॉल्यूट का, जो आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उसी को आप कहते हैं के एम, याद रखें ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी आई है उसको आपने क्या बोला, वी मैक्स, वी मैक्स के आधे चाहिए, जहां पर आप आधा ले रहे हैं वी मैक्स का
उस जगह पर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन देखिए, तो कंसंट्रेशन को आप कहेंगे केएम, यानी कि केएम क्या है, केएम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो केएम क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ठीक। कब, जबकि वीमैक्स की वैल्यू हाफ है, यानी कि केएम की जो वैल्यू है, केएम की वैल्यू जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। कब, व्हेन वीमैक्स इज हाफ, जब वीमैक्स जो वेलोसिटी मैक्सिमम है उसका आप हाफ ले रहे हैं, वीमैक्स इज हाफ, ठीक है। तो जब 1/2 वीमैक्स की वैल्यू आपने लिया था, उस वक्त आपने सबस्ट्रेट यानी कि एक्स एक्सिस पर जब आपने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन देखा था, उस वक्त जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी उसको आप कहेंगे KM। तो KM क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, इससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए वीमैक्स पूछ दिया कि वीमैक्स इज ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, तो आप कहेंगे हाँ, हाफ ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, बिल्कुल ही, सारे एंजाइम्स जब ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो सैचुरेशन लेवल आ जाएगी, ठीक है, कोई एंजाइम्स वहाँ पर खाली ही नहीं रहेंगे और ज़्यादा सबस्ट्रेट लेने के लिए। बढ़िया, अब यहाँ पर वीमैक्स की वैल्यू हो गई, केएम की वैल्यू हो गई। अब एक आता है कि क्या एंजाइम की एक्टिविटी को कोई इनहिबिट भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं इनहिबिशन, और जो ऐसा करेंगे उनको हम बोलेंगे इनहिबिटर। तो ये है इनहिबिशन, इनहिबिशन, ठीक है। जो नाउ इनहिबिशन क्या है, इनहिबिशन मतलब कि ये प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर की वजह से क्या होता है, ये उसके काम को कम करते हैं, इफिशेंसी को घटाते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो ये इनका प्रोसेस क्या है, इनहिबिशन, और ये जो करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। तो जो टाइप्स ऑफ इनहिबिटर है ये कौन करते हैं, इनहिबिटर्स करते हैं, उनका काम ही यही है, इनहिबिटर करते हैं। तो एक्चुअली ये इनहिबिटर की फीचर्स ऐसी क्या होती हैं जो ऐसा कर पाते हैं, तो एंजाइम क्या करते हैं, उनके पास स्पेसिफिक शेप की एक्टिव साइट होती है। तो ये इनहिबिटर क्या करते हैं, इनहिबिटर टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक तो ये होते हैं कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव यानी कि ये क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। और दूसरे होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। पहला देखते हैं कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव में ये क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिटिव वाले में ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ सबस्ट्रेट्स हैं। अब इन सबस्ट्रेट्स को किन के साथ लगना चाहिए था, इन सबस्ट्रेट को लगना चाहिए था, ये एंजाइम्स हैं, सॉरी ये एंजाइम्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स हैं, और इन एंजाइम को किसके साथ लगना चाहिए था, सबस्ट्रेट के साथ, ये है सबस्ट्रेट, मान लीजिए ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेट। अब देखिए, अब ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इनहिबिटर भी रहेगा, इनहिबिटर क्या कर रहा है, मान लीजिए ये इनहिबिटर है, ये क्या है, इनहिबिटर है, ये था सबस्ट्रेट और ये क्या है, एंजाइम है। तो यहाँ पर क्या होगा, या आपको इक्वेशन याद है सबस्ट्रेट वाली, ई प्लस एस वाली, वहीं पर अब क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये क्या बनाता था, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस था, और यहाँ पर क्या था, एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था, उसके बाद सबस्ट्रेट इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था, उसका एक ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट अचीव करने के बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग अलग हो जाएंगे, तो ई प्लस पी हो जाता था। ये इक्वेशन आपने पढ़ा था जब आपने एंजाइम सबस्ट्रेट बनाना सीखा था, कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा था, ये नॉर्मल एक इक्वेशन है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अब क्या करेगा, इसमें इक्वेशन क्या होगा कि इसमें उसका शेप जो है इनहिबिटर का, इनहिबिटर का जो शेप है ना, तो ओनली शेप इज सिमिलर, इनहिबिटर का जो शेप है ना, शेप इज सिमिलर, शेप इज सिमिलर, ओनली शेप इज सिमिलर, केमिकली क्या वो सिमिलर है, तो केमिकली बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, सिर्फ शेप सिमिलर होगा। इसी की वजह से ये क्या करते हैं, इट विल कम्पीट टू द सबस्ट्रेट टू गेट बाइंड विद द एंजाइम, ठीक है। तो इसी की वजह से ये क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे सबस्ट्रेट्स के साथ। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका कॉम्पिटिटिव का, जैसे आपने बॉडी में देखा होगा सक्सीनेट, आप देखते हैं सक्सीनेट है ना, सक्सीनेट, सक्सीनेट एक सबस्ट्रेट है, सक्सीनेट एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। सक्सीनेट क्या करता है,
कन्वर्ट करवाता है फ्यूमरेट में, ये इसका प्रोडक्ट है। फ्यूमरेट क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक, प्रोडक्ट है। किसने करवाया ये काम? तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने करवाया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब मैलोनेट आ जाए, यहाँ पर कौन आ जाए? मैलोनेट आ जाए, मैलोनेट, मैलोनेट आ जाए। अब ये मैलोनेट क्या है? ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? शेप ऑफ मैलोन, मैलोनेट जो है विल मैच विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसका शेप क्या होता है? सबस्ट्रेट के शेप की तरह मैच करता है, यानी कि मैलोनेट का शेप सक्सिनेट के शेप की तरह मैच करता है। तो इसीलिए क्या करेगा? इट विल कम्पीट विद सक्सिनेट, सक्सिनेट के साथ ये कम्पीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमने देखा है कि सक्सिनेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो वीमैक सेम रहेगा, यानी कि अगर मान लीजिए वहाँ पर सक्सिनेट है और मैलेट भी आ गया, और किसी भी तरह से हमने सक्सिनेट का, अब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, जब सक्सिनेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो वीमैक्स पर इस इनहिबिटर की कोई भी इफेक्ट नहीं होगी, यानी कि इस जगह पर वीमैक्स सेम हो जाएगा, वीमैक्स सेम रहेगा। वीमैक्स क्या रहेगा? वीमैक्स इज सेम, लेकिन केएम की वैल्यू क्या होगी? केएम की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझे इस बात को, सक्सिनेट क्या है? सबस्ट्रेट। मैलोनेट क्या है? इनहिबिटर। दोनों का स्ट्रक्चर शेप सेम होने की वजह से ये क्या करता है? इनहिबिटर इसके साथ कम्पीट करता है। अगर आप सक्सिनेट का कंसंट्रेशन किसी भी तरह से बढ़वा दें, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम वी मैक्स देखना चाहें तो वी मैक्स क्या होगा? वी मैक्स तब सेम होगा, लेकिन केएम की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें कि इंजाइम के बाद, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इंजाइम प्लस इनहिबिटर, जैसे इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आपने देखा था, ये भी रिवर्सिबल है, तो इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या आगे प्रोसेस जाएगी? आगे प्रोसेस क्या प्रोडक्ट बनाएगा? आगे प्रोसेस नहीं जाएगी, ठीक है। इंजाइम इनहिबिशन भी रिवर्सिबल है, लेकिन वो आगे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक, बढ़िया। यानी कि इंजाइम सबस्ट्रेट रिवर्सिबल है, इंजाइम इनहिबिटर भी रिवर्सिबल है, लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना देगा, एंजाइम इनहिबिटर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। अब आता है आपके पास सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप का क्या था? नॉन कॉम्पिटिटिव था, ये कॉम्पीट नहीं करता है, कुछ और करेगा, ये क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है? मान लीजिए ये आपके पास एक एंजाइम है और ये यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है, एक मतलब कुछ सबस्ट्रेट्स है, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ सबस्ट्रेट है, यहाँ पर कुछ सबस्ट्रेट्स है, ठीक है, ये क्या है? सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, और इसमें यहाँ पर क्या है? कुछ इनहिबिटर्स है, यहाँ पर कुछ क्या है? इनहिबिटर है, इनहिबिटर्स है, कुछ यहाँ पर इनहिबिटर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? जो इनहिबिटर है ना, इनहिबिटर बाइंड्स अदर देन एक्टिव साइट, इनहिबिटर बाइंड्स अदर देन एक्टिव साइट, अदर देन एक्टिव साइट, अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव वाला क्या हो रहा था? एक्टिव साइट भी बाइंड कर रहा था, नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइट के अलावा कहीं बाइंड कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है? सो द शेप ऑफ एंजाइम चेंजेस, सो द शेप ऑफ एंजाइम चेंजेस, शेप ऑफ एंजाइम क्या होगा? बदल जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से सो द नंबर ऑफ नॉर्मल एंजाइम घट जाएंगे, सो जिनका शेप नहीं बदल पाया है, सो द नंबर ऑफ नॉर्मल एंजाइम्स, नॉर्मल एंजाइम्स ये क्या होंगे? इनका नंबर घट जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट आपको याद दिला दे, एक नोट पॉइंट है, जब आप सेलुलर रिस्पिरेशन पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा साइनाइड लेने से इंसान की मौत हो जाती है, तो एक्चुअली साइनाइड क्या करता है? साइनाइड जो है ये ब्लॉक कर देता है, किसे? ब्लॉक्स कॉम्प्लेक्स फोर, कॉम्प्लेक्स फोर आपने पढ़ा था, A3A4, है ना, तो कॉम्प्लेक्स जो फोर है A3A4, साइटोक्रोम A3H4, ऐसा पढ़ा था ना आपने, साइटोक्रोम A3 इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लगे रहते हैं, साइटोक्रोम A3A4,
ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ठीक है। तो इसको वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। कौन एंजाइम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऐसा काम करवाता है, ऑक्सीडेज, ठीक है, बढ़िया। तो ये रहा आपके लिए ये सारी चीज़ें, इनहिबिटर का भी रोल आपने पढ़ लिया यहाँ से, कॉम्पिटिटिव देखा इन, है ना, जो नॉन कॉम्पिटिटिव थे उनको भी देखा। अब हम देखते हैं कि आखिर हम एंजाइम का जो नॉमिनक्लेचर करते हैं वो कैसे करते हैं, नॉमिनक्लेचर ऑफ एंजाइम कैसे करते हैं, नॉमिन मतलब इनका नाम हम कैसे यूज़ करते हैं, नॉमिनक्लेचर ऑफ एंजाइम, नॉमिनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब देखिए नॉमिनक्लेचर ऑफ एंजाइम हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे इसे। तो अगर हम इसके नॉमिनक्लेचर को देखें, एंजाइम को, तो सबसे पहले हमें एक नाम जानना होता है, आई यू बी, ये क्या है, आई यू बी, आई यू बी ही सेट करती है रूल जो कि एंजाइम के नॉमिनक्लेचर से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आपने आई यू सी एन पढ़ा था, है ना, आपने नॉमिनक्लेचर, आपने इकोलॉजी में आई यू बी एन पढ़ा था। सो यहाँ पर आई यू बी एन यानी कि इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट, दे सेट द रूल फॉर नॉमिनक्लेचर फॉर एंजाइम, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, आई यू बी ने, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट केमिस्ट ने, इन्होंने क्या किया, एंजाइम्स को क्लासिफाई किया, ठीक है, क्लासिफाइड एंजाइम, क्लासिफाइड एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो क्लासिफिकेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम के रिएक्शन के बेसिस पर, ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ठीक, तो एंजाइम के रिएक्शन के आधार पर, एंजाइम के रिएक्शन के बेसिस पर आई यू बी ने, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने, एंजाइम के नॉमिनक्लेचर के लिए एंजाइम को, ठीक है, क्लासिफाई किया, किस बेसिस पर, एंजाइम के रिएक्शन के बेसिस पर। तो इन्होंने जो क्लासिफाई किया तो इनके अकॉर्डिंग कितने क्लासेस थे एंजाइम के, सिक्स क्लासेस, सिक्स क्लासेस थी, और सिक्स क्लासेस एंड 13 सब क्लासेस, सब क्लासेस, ठीक है। आपको सब क्लासेस का नाम जानना ज़रूरी नहीं है, क्लासेस का नाम जानना आपको ज़रूरी है। जैसे ये छः क्लासेस कौन कौन से थे, ये छः क्लासेस जो थे वो थे, सबसे पहला मैं यहीं पर ले लेती हूँ एक नाम, ठीक है, पहला था, सबसे फर्स्ट है आपके पास ओ, यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, देख रहे हैं, अब ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन करवाएगा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाएगा। मैं यहाँ लिखती हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी। सो एक है आपके पास ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ठीक, एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, ये एंजाइम किस में इन्वॉल्व रहेगी, ये क्लास के एंजाइम्स किस में इन्वॉल्व रहेंगे, ये रहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाने में। और जो भी इस कैटेगरी में आएंगे उन एंजाइम्स के नाम में आप देखेंगे कि डिहाइड्रोजिनेज लगा हुआ है, क्या लगे होते हैं नाम में, डिहाइड्रोजिनेज, है ना, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के पीछे आपको लगा दिखेगा, इसका मतलब वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद सेकंड क्लास आती है, दैट इज योर ट्रांसफरेज, तो सेकंड क्लास कौन सी है, सेकंड क्लास आती है ट्रांसफरेज की, ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज जैसा कि नाम है ये किस में इन्वॉल्व रहेंगे, ये ग्रुप के ट्रांसफर में इन्वॉल्व रहेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना,
सो आर इन्वॉल्व इन ग्रुप ट्रांसफर, ग्रुप के ट्रांसफर यानी कि पोजिशन, ग्रुप के ट्रांसफर में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा था ना जैसे ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ते हैं ग्लूकोज 1,6-बाइफॉस्फेट ग्लूकोज, है ना, तो ये जो पोजिशन पर जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन करवा रहा है, ट्रांसफरेज वाले क्लास के एंजाइम्स करवाते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ये क्लास आती है। हाइड्रोलेज वाले क्या करते हैं, ये मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, आर मेनली डाइजेस्टिव, जो डाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कैटेगरी में ये आते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन में ये क्या करते हैं, एडिशन ऑफ H2O करवाते हैं, एडिशन ऑफ वाटर करवा कर ये अपना रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखना है एमाइलेज, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है एमाइलेज, ठीक, जैसे सलाइवरी एमाइलेज ना। फोर्थ जो आती है क्लास वो आती है लाइज, फोर्थ क्लास है वो है लाइज, लाइगेज नहीं लाइज, ठीक है, लाइगेज अलग क्लास है। लाइज, लाइज क्या करते हैं, ये एक्चुअली सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड करवा देते हैं, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि अगर हम कहें ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन पर कोई ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और इस कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या करवाएगा, ये एंजाइम क्या करवाएगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड। और मान लीजिए इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ था ए बी, है ना, कोई ग्रुप लगे हुए थे, तो अब ये ए बी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट बनकर निकल जाएंगे ए बी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लाइगेज क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइगेज से, जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि लाइगेज क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं डबल बॉन्ड, इंट्रोड्यूसेस डबल बॉन्ड, इंट्रोड्यूसेस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन विदाउट रिमूविंग वाटर, वाटर रिमूव नहीं करेंगे, विदाउट रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर के रिमूव किए बिना ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लाइजेस एक तरह से हम कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो कोई गलत नहीं होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट क्लास है आइसोमरीज, आइसोमरीज क्या करता है, नाम से काफ़ी है, ये क्या करते हैं, आइसोमर फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स आइसोमर्स, है ना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, तो वो क्या है, आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, अब आती है आपकी छठी क्लास यानी कि सिक्स्थ क्लास, छः क्लास थे ना, सिक्स क्लास में आप देखेंगे लाइगेज, पहला क्या, उसके पहले क्या था, लाइज, ये क्या है, लाइगेज, जो कि ग्लू की तरह काम कर रहा था, आपको याद है डीएनए में हमने पढ़ा था इसको, है ना, मॉलिकुलर जेनेटिक्स में डीएनए लाइगेज। तो ये क्या करता है कि जैसे लाइज, ये लाइगेज इस तरह के बॉन्ड बनाकर लाइगेट करवाते हैं, यानी कि लाइगेशन ग्लू की तरह काम करता है, एक तरह से आप इसको ग्लू कह सकते हो, है ना, ग्लू की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आप देखें, आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या करता है ये, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये क्या करता है लाइगेज, जैसे कि एक डीएनए था, है ना, अब इस डीएनए में आपने देखा था कि मान लीजिए ये एक्सॉन साइट है, है ना, ये दूसरा एक्सॉन है, तो अब ये जब फ्रैगमेंटेशन हुई थी, जब हमने एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी की थी, स्प्लाइसिंग किया था, जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के दौरान जब इंट्रोन्स को बाहर निकाला गया था, तो ये मान लीजिए 3 एक्सॉन्स आपके पास बचे, है ना, E1, E2, E3। अब ये E1, E2, E3 आपस में कौन जोड़ेंगे, ये E1, फिर ये E2 और फिर ये E3, ये किसने जोड़ा एक साथ, यहाँ पर जो लाइगेशन की काम की है वो लाइगेज ने किया है, ठीक है। तो एग्जांपल एक तरह से आप लिख सकते हैं जैसे कि डीएनए लाइगेज है, जैसे कि एग्जांपल डीएनए लाइगेज, ये क्या है, लाइगेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज। ये है पूरी 6 क्लासेस की एंजाइम्स, ठीक है, इसमें से लाइगेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जैसे कि एंजाइम्स में आपने पढ़ा है कि कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर आपने पढ़ा है कि कोफैक्टर क्या होते हैं, उसमें अपने एंजाइम्स के कुछ इक्वेशंस आते हैं कि ये क्या होते हैं, है ना, तो अब उसको जानना है ज़रूरी कि कोफैक्टर एक्चुअली होता क्या है। अब ध्यान से सुनेंगे, देखिए कोफैक्टर क्या होता है,
ध्यान से रख सुनेंगे, को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर देखिए, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं ना कि जो पूरी तरह से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सम एंजाइम्स क्या होता है, सम एंजाइम्स आर हंड्रेड परसेंट प्रोटीन, ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे वो प्रोटीन से ही बने होते हैं ना। तो कुछ एंजाइम्स पूरी तरह से प्रोटीन के होते हैं, ठीक है, लेकिन सम एंजाइम्स है ना, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ एंजाइम्स पूरी तरह से प्रोटीन के होते हैं और कुछ एंजाइम्स में कंप्लीटली प्रोटीन नहीं होता, कुछ अलग पार्ट भी होते हैं। सम एंजाइम्स हैव प्रोटीन प्लस अदर नॉन प्रोटीन पार्ट्स आल्सो। ये जो प्रोटीन पार्ट था, इसका मतलब कि कुछ एंजाइम्स में, आपने क्या बोला कि कुछ एंजाइम्स में तो प्योर प्रोटीन ही होते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम्स में, लाइन नंबर टू में, कुछ एंजाइम्स में प्रोटीन पार्ट भी होता है ना, कुछ प्रोटीन पार्ट भी होंगे, लेकिन कुछ प्रोटीन पार्ट नहीं होंगे, यानी कि कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो नॉन प्रोटीन वाले पार्ट है, नॉन प्रोटीन वाले पार्ट्स होंगे, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये प्रोटीन वाला पार्ट था, इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, ठीक, और जो नॉन प्रोटीन वाली पार्ट है इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। अब आई थिंक अब आपको बस समझ में आ गई होगी कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर। और ऐसे एंजाइम जो कम्प्लीटली प्रोटीन नहीं होता है, उसके कुछ पार्ट्स प्रोटीन के होते हैं, तो वो प्रोटीन वाला हिस्सा एपो एंजाइम कहलाएगा, और जो नॉन प्रोटीन का पार्ट है वो कोफैक्टर कहलाएगा। अब ये जो प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, ये टोटल मिलाकर, कंप्लीट मिलाकर क्या बनेंगे, कंप्लीट एंजाइम बना देते हैं, क्या बनाएंगे, कंप्लीट एंजाइम बनाएंगे, या आप कहेंगे टोटल एंजाइम बना देंगे। अब ये जो कंप्लीट एंजाइम बनेगा, इसको आप कहते हैं होलो एंजाइम, एक तरह से याद कर ले होल एंजाइम, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, होलो एंजाइम एंजाइम। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ से कोई भी दिक्कत हो आप बेशक अपने कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने क्वेरीज पुट करेंगे ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ, इक्वेशन पूछा भी गया था 2017-18 में, क्वेश्चन भी आया हुआ था कि होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, होलो एंजाइम, यही इक्वेशन आया था, ये करेक्ट आंसर था, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर। अब कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट है, ठीक है, कि क्या सारे एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए, ठीक है, तो कोफैक्टर सारे एंजाइम्स को नहीं चाहिए, आपके एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें 100% पूरा का पूरा प्रोटीन ही होता है, तो कोफैक्टर सारे एंजाइम्स को नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोफैक्टर क्या केमिकली प्रोटीन होता है, तो कोफैक्टर केमिकली प्रोटीनेशियस नेचर का नहीं होता है, ठीक है, प्रोटीन नहीं होता, ये नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अगर हम कोफैक्टर को हटा दें तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी या लॉस होगी। तो अगर आप कोफैक्टर को हटा देंगे, यानी कि अगर एक होलो एंजाइम है ना, इस होलो एंजाइम में से आप क्या करेंगे, कोफैक्टर वाले पार्ट को अगर आप रिमूव कर देंगे, कोफैक्टर वाले पार्ट को अगर आप क्या करें, रिमूव कर दें, तो सिर्फ क्या बचेगा इसके पास, एपो एंजाइम बचेगा। तो क्या उसकी एक्टिविटी रहेगी, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी रहेगी, तो एक्टिविटी नहीं रहेगी, उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। इसका मतलब हमने ये कहा कि मान लीजिए ये एक होलो एंजाइम है, क्या है, एक होलो एंजाइम है, ठीक है। इसका मतलब आपने ये कहा कि कुछ इसके ये प्रोटीन वाले पार्ट्स हैं, ठीक, यानी कि ये क्या है,
ये कुछ प्रोटीन्स वाले पार्ट है इसके, इसके पास ये कुछ, ये वाला जो हिस्सा है ये प्रोटीन वाला पार्ट है, ठीक है। और इस प्रोटीन वाले पार्ट को आपने कहा एपो एंजाइम, एपो एंजाइम का, ठीक। अच्छा, इसके साथ आपने बोला कि कुछ नन प्रोटीन वाले भी पार्ट्स हैं, कुछ नन प्रोटीन वाले भी पार्ट हैं, ये क्या है, नन प्रोटीन पार्ट, नन प्रोटीन पार्ट। इसको आपने कहा कि ये क्या है, ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर है। हमने बस इतना कहा कि क्या अगर हम कोफैक्टर को हटा दें, यहाँ से इस पार्ट को अगर आप रिमूव कर दें, तो क्या अब ये एक्टिविटी करेगा, अब ये एक्टिविटी, नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अगर कोई बोलेगा कि एक्टिविटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये ऑप्शन गलत होगा। एक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी, बल्कि एक्टिविटी ही नहीं रहेगी, एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी कहती है कि अगर कोफैक्टर को हम हटा दें तो एंजाइम काम नहीं करेगी, एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात ये आती है कि आखिर ये जो कोफैक्टर है, ठीक है, ये कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कि कोफैक्टर क्या होता है। तो ये जो ये कोफैक्टर होता है, जिसको आपने बोला कि नन प्रोटीन पार्ट है, कौन सा पार्ट होता है, ये नन प्रोटीन पार्ट है, नन प्रोटीन पार्ट जिसको आपने बोला, यानी कि प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, ये दो तरह के हो सकते हैं। कैसे, या तो ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं, या तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर हो सकते हैं, या तो ये इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, या तो ये इनऑर्गेनिक नेचर में क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये इनऑर्गेनिक हो, या तो ये ऑर्गेनिक हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है फॉस्फोइनॉल पारुबेट केज, है ना, कार्बोक्सिलेज, पेपकेज, आप पढ़ते हैं जब आप सी फोर साइकिल पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो ये जो पेपकेज है, ठीक, अच्छा, जो आपने पढ़ा था रूबिस्को, मोस्ट अबंडेंट प्लांट का एंजाइम पढ़ते हैं ना आप रूबिस्को, तो ये क्या है, रूबिस्को भी क्या है, रूबिस्को है आपका, ठीक है, इनऑर्गेनिक। उसके बाद आप पढ़ते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में, ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ये कौन करवाता था, हेक्सोकाइनेज। सो हेक्सोकाइनेज भी क्या है, हेक्सोकाइनेज इनऑर्गेनिक है। उसके बाद आप पढ़ते हैं जैसे कि पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज ये क्या है, ये भी इनऑर्गेनिक है। उसके बाद आपने पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपने पढ़ा था। आपने पढ़ा था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये सारे आपके बुक में मेंशन है पेप्टिडेज। अब इसमें से अगर आप देखें तो ये जो है, ठीक है, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए Mg+ मेटल आयन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इनको Zn, जिंक, Zn, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद याद करें, जो आपको याद है एक क्वेश्चन भी आया था Fe एंड Mo, है ना, नाइट्रोजिनेज, याद है आपको, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, चलिए बढ़िया। उसके बाद दूसरा आपने कहा कि दूसरे क्या है, कुछ नेचर ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, तो जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें करते क्या है ये कि कोफैक्टर जो है ना वो एपो एंजाइम के साथ अगर ऑर्गेनिक नेचर का है और अगर वो बहुत ही ईजिली हट सकता है, बहुत ही लूजली बाउंड है, यानी कि अगर ये एंजाइम के साथ बाउंड है एपो एंजाइम के साथ और बहुत ही लूजली बाउंड है, एंजाइम के साथ क्या है, बहुत ही लूजली बाउंड है, ठीक है, बहुत आसानी से हटा दिया जा सकता है, तो लूजली बाउंड है ना, इजिली इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको आप कहेंगे को एंजाइम, इसको आप क्या कहेंगे, को एंजाइम, ठीक। अच्छा,
अगर इनको इजिली आप नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, ये कोवेलेंटली क्या करते हैं, बॉन्डेड होते हैं, इजिली नहीं हटा सकते, दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ ईच अदर, ठीक, कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप कि आप इजिली इसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो ये जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है जिसकी वजह से आप इसको इजिली नहीं हटाएंगे, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, प्रोस्थेटिक ग्रुप, बढ़िया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो कोएंजाइम है, ठीक है, ये किससे डिराइव होता है, कोएंजाइम इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव होता है, इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, ठीक मीन्स, ठीक है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल भी है, जैसे कि एनएडी प्लस, एफएडी प्लस, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद अगर आप देखें कि कोवेलेंटली जो बॉन्डेड होते हैं जिसकी वजह से ये इजिली डिटैच नहीं होते, ये इनका एग्जांपल क्या है, इनका एग्जांपल है जैसे कि ये हीम में आपको मिलेंगे, हीमोग्लोबिन पढ़ा है आपने, हीम में है ना, हीम ग्रुप, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है पेरोक्सीडोज आपका कैटलेज, तो पेरोक्सी टेज कैटलेज, ठीक है, ये इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स को काम करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए, ये कोफैक्टर टू टाइप्स के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिक है तो या तो वो कोएंजाइम हो सकता है या प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक, अच्छा अगर वो इनऑर्गेनिक है तो आपका या तो पेप्टेज, रूबिस्को, है ना, ये सारे हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक है, तो होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम, एपोएंजाइम प्लस क्या होता है, कोएंजाइम, बहुत बढ़िया, क्योंकि कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम आपका ऑर्गेनिक वाला क्या है, ऑप्शन दिया हुआ था इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से आपकी पूरी की पूरी एंजाइम्स वाली पार्ट पूरी कंप्लीट हो जाती है ना, हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, हमने स्टार्ट किया था आज एंजाइम के स्ट्रक्चर को लेकर, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके बाद हमने एंजाइम्स के पूरे स्ट्रक्चर्स पढ़े, फोल्डिंग पढ़ी, फीचर्स पढ़े, है ना, किसमें ये एक्ट करता है, फंक्शनल होता है, हमने वो देखा, हमने इसके पॉकेट के बारे में देखा कि वो पॉकेट में आखिर रखता क्या है उस जेब में, ठीक है, उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद हमने हाउ एंजाइम्स वर्क, किस तरह से काम करते हैं एंजाइम सब्सट्रेट के ऊपर, ये इक्वेशन है एंजाइम, हाउ एंजाइम एंड सब्सट्रेट्स आर फॉर्म, ठीक है, एंजाइम सब्सट्रेट जो रिएक्शन होती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है और फाइनली प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये सब्सट्रेट किस तरह से चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, वो सब हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद हमने इस वाले ग्राफ में इसको सॉल्व करने की कोशिश की, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखी, उसके बाद हम वी मैक्स भी देखेंगे, उसके बाद हमने फीचर्स भी डिस्कस किए, फिर हमने कुछ सेलेक्टिविटी डिस्कस की थी, सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी एक्स हमने हाईएस्ट वो हमने देखा था, टर्नओवर नंबर देखा था, ठीक है, टर्नओवर नंबर किसका हाईएस्ट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसका भी देखा था, टर्नओवर नंबर क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग देखा था, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए उसके बाद हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखा था, फिर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखने के बाद इनहिबिशन पर भी हमने थोड़ा सा जोर दिया था, ठीक है, उसके बाद हमने साइनाइड वाली स्पेशल केस हमने डिस्कस की, उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम देखा कि आखिर जो नामकरण इनका रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है, ठीक है, तो उसके हमने क्लासेस पढ़े हैं, सब क्लासेस आपको नहीं जानने हैं, तो ये रहा पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, होप सो आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।